नेशनल सीड्स कॉन्फ्रेंस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर कैंपेन, इसको ऑर्गेनाइज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के आर्टिकल्स। पीआईबी जो है वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के आर्टिकल्स को पब्लिश करती है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है। तो नेशनल सीड कॉन्फ्रेंस जो है ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं सोइंग सीजन से कुछ टाइम पहले, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको सीड्स प्रोवाइड कराए जा सकें। इंडिया के अंदर हम जानते हैं तीन मेजर सोइंग सीजन्स होते हैं, जैद, खारिफ और राबी। इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जैद की जो क्रॉप है वो मार्च में बोई जाती है और जून में काट ली जाती है, तो इसकी जो सीड्स की कॉन्फ्रेंस होती है वो 24 जनवरी के आसपास होती है। आपको ये एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं रखनी, बस ये देखना है कि अगर मार्च में हो रही है तो जनवरी के अंदर उसकी एक सीड्स की कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। इसकी क्रॉप्स देख लेते हैं, मस्क मेलन, वाटर मेलन, बिटर गार्ड, पम्पकिन। ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है कि अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्रॉप जो है वो कौन से सीज़न की है। खारिफ की अगर हम बात करें तो समर और मानसून भी क्रॉप्स कहते हैं इसे, और ये जुलाई में बोए जाते हैं। तो इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो करीब 25-26 अप्रैल के अराउंड ये लोग करते हैं, और उसमें जो क्रॉप्स होती हैं बाजरा, ज्वार, कॉटन, शुगर केन, सोयाबीन, टर्मरिक, राइस, मेज, ग्राउंडनट। रबी क्रॉप की अगर हम बात करें तो इसे हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, और ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। तो इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो 19-20 सितंबर के अराउंड ऑर्गेनाइज कराई जाती है। इसमें वीट, बार्ले, मस्टर्ड, सीजन, पीज। तो ये जो आपको डेटा है वो आपको नीचे दिए हुए तीन आर्टिकल्स हैं उनमें मिल जाएगा। एक आर्टिकल है इंडियन एग्रीकल्चर ऑन हाई वॉल्यूम की तरफ कैसे जाए इंडियन एग्रीकल्चर। दूसरा आर्टिकल है नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी के ऊपर, और तीसरा है चैलेंजेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर। तो इसमें आपको जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडिया का सिनेरियो है वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जाती हैं फार्मर्स को प्रोवाइड करने के लिए सीड्स। तो इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात करी, क्या इन लोगों ने रिव्यू किया, तो हम एक एक करके उन लोगों को डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि सीड रिक्वायरमेंट कितनी है, उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है और किस तरीके से प्रोवाइड कराई जा सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं। आज हमारे पास जो होते हैं वो सीड सरप्लस में रहता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि सीड तो वैसे भी कम होता है। और दूसरा जो पॉइंट होता है वो होता है सीड ऑफ न्यूली रिलीज्ड हाई यील्ड वैराइटीज़, यानी कि जो नई सीड्स आए हैं वो किस तरीके तक लोगों तक पहुंचाए जा सकें। इसके दो तरीके होते हैं, एक गवर्नमेंट की अपनी एजेंसीज होती हैं और एक प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। तो प्राइवेट प्लेयर्स थोड़े ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं तो अपने प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से मार्केट कर लेते हैं, बट उनके प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो लैंडमार्क वैराइटीज़ हैं डिफरेंट क्रॉप्स की, तो वो लैंडमार्क वैराइटीज़ ऐसी वैराइटीज़ होती हैं जो बहुत समय से चलती आ रही हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे डिजीज़ उनमें वैराइटीज़ में लगने लगते हैं या फिर उनकी यील्ड कम होने लगती है। तो उन्हें रिप्लेस करने की बात कि उन्हें कैसे रिप्लेस कराया जाए, कैसे नए सीड्स जो हैं वो फार्मर्स तक पहुँचाए जाएँ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोगों ने डिस्कस किया था वो प्रमोशन ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंट एंड क्लाइमेट रेजिलेंट वैराइटीज़, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बारिश का वक्त बदल रहा है, गर्मी सर्दी थोड़ी ज़्यादा और कम हो रही है, तो जो प्लांट्स हैं उनका इफेक्ट उन पर मिनिमाइज़ हो, तो इससे हमें जो नई वैराइटीज़ हों वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट हों। इसमें एक बात इन्होंने और कही है बायोफोर्टिफिकेशन की, जैसे विटामिन ए, जिंक और आयरन जो है इनकी डेफिशिएंसीज जो हैं वो बच्चों में या फिर बड़े लोगों में भी पाई जाती हैं, और अक्सर ये पुअर जो लोग होते हैं या ब्लो पॉवर्टी लाइन वाले होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं। तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जैसे मेज़ की कोई वैराइटी है या राइस की कोई वैराइटी है जिसमें जिंक, आयरन या विटामिन ए ज़्यादा होता है, तो उसके सीड्स फार्मर्स को प्रोवाइड कराए जाएँ। बायोफोर्टिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है, एक तो कन्वेंशनल सेलेक्टिव ब्रीडिंग से, यानी कि कुछ प्लांट्स की स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर न्यूट्रिशंस थोड़े ज़्यादा होते हैं, उनको हम दे सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के पास नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ही एक कमेटी बनाती है, वो डिसाइड करती है कि ये फिट है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड लोगों के कंजम्पशन के लिए या नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो एग्रीकल्चर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, एनवायरनमेंट जो है वो टेक्निकली किसी भी ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में है, ना यूनियन लिस्ट में है, बट देखा जाता है कि जो इसका इम्पैक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा रहता है एनवायरनमेंट के ऊपर। और फिर इन लोगों ने डिस्कस किया फोकस ऑन प्रिपरेशन ऑफ डायनेमिक सीड रोलिंग प्लान्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नए जो प्लांट्स के सीड्स हैं वो प्रोवाइड करें लोगों को, ताकि जो पुराने सीड्स हैं वो
फेज आउट कराए जा सकें और नई जो हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स हैं वो दिए जा सकें। कैपेसिटी बिल्डिंग कराई जाएगी, ट्रेनिंग ऑफ ऑफिशियल, जैसे ऑफिशियल्स को भी पता होना चाहिए क्या फ़ायदे हैं नए सीड्स के, और सीड्स का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, उनकी टेस्टिंग लैब्स होनी चाहिए। तो एक तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तभी जो है वो अच्छे सीड्स जो हैं वो लोगों तक पहुंच पाएंगे और पता लग पाएगा कि क्या इनके फ़ायदे हैं, या जो सीड्स फार्मर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो लैब में टेस्ट होकर पता चल पाएगा कि यह क्या ये सीड सही है या इससे बेहतर सीड्स प्रोवाइड किया जा सकता है। और फार्मर को डेमोन्स्ट्रेट करके भी, उसको अवेयर करके भी कि कुछ खेतों को गवर्नमेंट जो है वो किराए पर ले लेती है, उसमें जो अपने नए सीड्स होते हैं उनको उगा के दिखाती है, उनके एरिया के अंदर दिखाती है कि इसमें देखिए ज़्यादा यील्ड आ रही है और कम बीमारी लग रही है, तो इस तरीके की बात भी गवर्नमेंट करती है। अच्छा, उसके बाद ये लोग बात कर रहे हैं बार कोडिंग करने की, ताकि सीड्स ट्रेस हो सके कि अगर गवर्नमेंट ने एक जगह पर कोई सीड दिया तो 3 साल बाद अगर वो कहीं पर सीड मिलता है तो पता चल जाएगा कि किस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर मार्केट के अंदर सीड्स ट्रैवल करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपने देख लिया कि आपके पास कुछ पॉइंट्स ऐसे मिल गए हैं जो आप बता सकते हैं कि अगर कभी सवाल पूछा जाए कि गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है या क्या क्या करती है फार्मर्स के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो एक छोटा सा राइट अप आप इस बात में लिख सकते हैं कि वो सीड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है और फार्मर्स को नए सीड्स देती है। अगर आप PIB के आर्टिकल्स फॉलो नहीं कर पाते तो आप हमारी वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू।